छतरपुर जिले के प्रकाश बभोबी थाना अंतर्गत हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने खुलासा किया। एसपी ने बताया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश कर पति को मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के प्रेमी के साथ 3 साल से अवैध संबंध थे। आरोपी प्रेमी ने अपने साले और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव बोरे में बंद कर मुढ़ावा गांव के कुएं में फेंक दिया। 5 तारीख को प्रकाश बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक बोरी में मिला था और जैसे ही शव मिला तो तुरंत ही वहां की टीम ने उसमें तस्दीक करना प्रारंभ कर दिया। तस्दीक करने में प्रथम दृष्टया ये पता चला कि वो व्यक्ति कटेरा गांव जिला झांसी का रहने वाला था और उसके बाद में ये पता किया कि उसका शव यहां पर मुढ़ेरा प्रकाश भमोरी क्षेत्र में कैसे आया। तो उसकी जानकारी जब एकत्रित की तो इस प्रकार की घटना सामने आई। सबसे पहले घटना की गंभीरता को देखते हुए आदरणीय DIG सर की तरफ से भी 20,000 रुपये का इसमें इनाम भी घोषित किया। घटना इस प्रकार से सामने आई कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी के उसी कटेरा गांव में रहने वाले एक व्यक्ति शैलेश के साथ में प्रेम संबंध था। चूंकि मृतक गुजरात में मजदूरी के लिए जाता था और वापस आया तो उसे कुछ शंका हुई, जिसके कारण से घर में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। उसको ध्यान में रखते हुए उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में, शैलेश के साथ में मिलकर के ये रचना रची कि इसको कैसे भी करके रास्ते से हटाना है। तो शैलेश का चूंकि ससुराल मुढ़ेरा में पड़ता है और वहां पर उसका रहने वाला साला जिसका नाम बाबू है, उसने बाबू के साथ में और वहीं पर रिश्तेदार आशीष पचौरी के साथ में मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में जब मृतक गुजरात के लिए रवाना हो रहा था तो उसको बहला फुसला करके महोबा तक बुलाया और महोबा से उसको मोटरसाइकिल से मुढ़ेरा तक लेकर के आए, जहां पर उसकी गला दबाकर हत्या की और कुएं में बंद करके उसके शव को कुएं में डाल दिया। 5 तारीख को प्रकाश भमोरी